Now. इजरायली सेना गाजा में लगातार हमास के सफाई में लगी हुई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजरायल ने हमास को मिटाने की जो कसम खाई थी वो शायद ही पूरी हो पाए, क्योंकि जिस गाजा को इजरायली सेना ने समतल करके खंडहर में तब्दील कर दिया है, अब वही गाजा हमास के लड़ाकों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। और अब इसी कड़ी में हमास ने एक और नया वीडियो जारी किया है जो खान यूनिस शहर का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके जमीन के नीचे सुरंगों में बारूद बिछा रहे हैं और दूसरी तरफ इजरायली सेना की हमास के लड़ाकों से मुठभेड़ चल रही है। वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर फायरिंग करके अचानक से जमीन के नीचे बनी सुरंग में छिप जाते हैं। और लगातार गोलियां दागते रहते हैं। इसके बाद हमास के सभी लड़ाके सुरंग में घुसकर भाग निकलते हैं। वीडियो में आगे हमास का एक लड़ाका एक गली में घूमता हुआ दिख रहा है और जैसे ही आईडीएफ का वाहन दिखता है वो तुरंत ही उस पर रॉकेट लॉन्चर से एक गोला दाग देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वीडियो के अलावा हमास ने एक और वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पश्चिमी गाजा का है और इस वीडियो में अलकुद्स का एक लड़ाका सामने से गुजर रहे आईडीएफ के टैंक पर जोरदार रॉकेट से हमला करता है। और इसके ठीक बाद जमीन पर घूम रहे कुछ आईडीएफ के सैनिकों पर रॉकेट से हमला किया जाता है और एक नकाबपोश अलकुद्स का लड़ाका लगातार लॉन्चर में रॉकेट भरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये रॉकेट इजरायली सैनिकों पर गिरे या नहीं ये बात साफ नहीं हो पाई है।